Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the need of quantum mechanics, failure of classical mechanics. तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है नए स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करना चाह रहे हैं. तो वो चाहें तो ये एक नोट्स की तरह है, पेन पेपर उठाएं और पूरा नोट्स बना डालें. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. देयर आर अ फ्यू फिनोमिना विच द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन. फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. सेकेंड इज स्पेक्ट्रिकल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड थर्ड इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इन 1900 मैक्स प्लांक एट अ मीटिंग ऑफ जर्मन फिजिकल सोसाइटी रीड हिज पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्पेक्ट्रम. दिस इज द फेमस पेपर ऑफ प्लैंक ऑन द थ्योरी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ नॉर्मल स्पेक्ट्रम. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट होती है. तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल रहा एक्सप्लेन करने में एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में. इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स दैट इंक्लूड्स क्लासिकल लॉज एज ए स्पेशल केसेस. तो एक जनरलाइजेशन है, ये विस्तार है क्लासिकल फिजिक्स का जो इंक्लूड करता है क्लासिकल लॉ को एज अ स्पेशल केस. क्वांटम फिजिक्स एक्सटेंड दैट रेंज टू द रीजन ऑफ स्मॉल डायमेंशंस, दैट इज एटॉमिक स्केल 10^-17 टू 10^-34 एटॉमिक स्केल. जस्ट एज सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्निफाइज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एंड द प्लैंक कॉन्स्टेंट करेक्टराइज्ड क्वांटम फिजिक्स एंड द वैल्यू इज दिस एच इक्वल 6.625 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड एंड इन अर्ग 6×6 = 5 इंटू 10^-27 ऑग सेकेंड. क्वांटम मैकेनिक्स इज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्टन इफेक्ट एंड द इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट इन मॉडर्न साइंस वॉज द कंसेप्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन 1925. दिस इज अ न्यू अप्रोच वॉज हाईली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो चाहे तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं. द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट. दिस इज द मेटल प्लेट व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट और एनी अदर रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and the emitted electrons are called the photoelectrons. So this is the metal plate and when UV light is incident on it then emission of electron occurs and moving towards the cathode plate which is shown here. Collecting plate is as a anode and here is a potential difference V and a meter is for photoelectric current measurement. This is the first basic experiment of quantum mechanics. Experimental finding of photoelectric effect. There is no time lag between the arrival of light at the metal surface and the emission of photoelectrons. तो कोई भी समय का लॉस नहीं है यहाँ लाइट के मेटल प्लेट पर आने में और फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन होने में. दूसरी चीज़ ये पता चली एक्सपेरिमेंट से, व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू
V naught, which is known as a stopping potential. The photo current reduces to zero. The photo current reduces to zero. ये तब होता है जब हम निगेटिविटी यहाँ हम बढ़ाते जाते हैं एनोड की तरफ. एनोड की तरफ हम निगेटिविटी बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुँच पाते और इस निगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल कर जाता है. तो उस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुँच पाता, उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. उस निगेटिव वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. उसे वी नॉट से डिनोट करते हैं. एंड एट दिस वोल्टेज फोटो करेंट रिड्यूसेस टू ज़ीरो. इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है, न कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. द इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमेन्स द सेम. तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा सेम रहती है. चौथा ऑब्जर्वेशन था, व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है. और एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी नोन एज अ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड बिलो दिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड. सो दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑलवेज अकर एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी व्हिच इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बिलो ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना. आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज. आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया कुछ इस तरह से कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो यूटिलाइज्ड होता है, यूज होता है दो तरीके से. फर्स्ट, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. तो जो एक पार्ट है एनर्जी का वो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, कहाँ से, एटम से. इसलिए हम उसे बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. एंड द अदर पार्ट इज यूज इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. सो वी कैन राइट एज दिस इज द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी यूज एज द फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन एंड सेकेंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी. दिस वॉज द आइंस्टीन एजम्पशन. दिस इज कॉल्ड द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. एच न्यू इक्वल डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. डब्ल्यू नॉट इक्वल एच न्यू नॉट के ई मैक्स. के ई मैक्स इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट. सो वी कैन सी हियर इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स निगेटिव and there is no meaning of negative kinetic energy, so there is no effect of photoelectric. Now W naught is equal h nu naught equal h c lambda naught, and after putting the value of h and c and converting in angstrom we get this expression. Where W naught in electron volt. And we know that the one electron volt is 1.6 into 10 power minus 19 joule. If V naught is the stopping potential, Y is known as stopping because it stopped the
flow of electron from cathode to anode. So this is known as the stopping potential. Then kinetic energy max equal h nu minus naught, and this is equal to EV naught, because this is the energy which is stopped by this potential V naught, because this is the energy from which the electron moves from cathode to anode. So finally we get the stopping potential as V equal h nu upon E minus h nu naught upon E. It is in the form of Y equal mx plus C. So the graph of V naught on the Y axis and nu on the X axis will be a straight line with slope h upon E. Clear? Photons. Einstein postulated that the existence of a particle called a photon, and to explain detailed result of photoelectric experiment, we can assume Ep equal h nu equal hc lambda. Photon has a zero rest mass and travel with speed of light. Explains the instantaneous emission of electrons in photoelectric effect. It is frequency dependent. तो ये तुरंत emission होता है electron का photoelectric effect में, और ये frequency पे depend करता है. Compton effect. When a monochromatic beam of X-ray is scattered from a material, then both the wavelength of primary radiation, which is known as unmodified radiation, and the radiation of higher wavelength, known as modified radiation, and found to be present in the scattered radiation. Presence of modified radiation in scattered X-rays is called Compton effect. तो कॉम्प्टन इफेक्ट में जब हम मोनोक्रोमेटिक बीम एक्सरे की स्कैटर्ड कराते हैं किसी मटेरियल से, मटेरियल को हम यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ प्राइमरी रेडिएशन, जिसे हम अनमॉडिफाइड रेडिएशन कहते हैं, आफ्टर स्कैटरिंग उसका वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिसे हम हायर वेवलेंथ बोलते हैं, और उसे हम मॉडिफाइड रेडिएशन कह सकते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है. तो जो वेवलेंथ इंक्रीज होने की फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट. तो दिस इज द इंसिडेंट फोटोन बिफोर स्कैटरिंग, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर स्कैटरिंग this is the scattered photon and required electron. Theta is the scattering angle and phi is the required angle. So here E incident photon energy E equal to h nu, and scattered photon energy E dash equal to h nu dash. So when we distribute the part component, vertical and horizontal component, then we get the momentum along the x axis is mv cos phi and h nu dash c cos theta. This is theta. So the horizontal component, if h nu dash is the energy, then h nu dash upon c is the momentum. So its horizontal component is this h nu dash upon c cos theta, and vertical component of momentum is h nu dash upon c sin theta. Similarly for electron, horizontal component is mv cos theta and vertical component is mv sin theta. This is for electron, horizontal component and vertical component. This is horizontal and this is vertical component. And for photon, scattered photon, this is the horizontal momentum, horizontal component of momentum, and this is the vertical component of momentum.
from the theory of relativity, the total energy of required electron with V to C is E equal mc square, and mc square is nothing but the kinetic energy plus rest mass energy. So K equal mc square minus m naught c square. M is the relativistic mass, so we can put here m naught upon 1 minus under root 1 minus v square upon c square, and finally K equal m naught c square 1 upon under root 1 minus v square upon c square minus 1. Similarly, the momentum of required electron is this much, mv equal m naught upon 1 minus under root v square c square into v. So this is the kinetic energy, or simply we can say total energy of required electron, and this is the momentum of required electron. Now from energy conservation we can write, this is the energy before scattering, h nu, and the electron energy is zero because it is at rest initially, and after scattering, scattered photon energy is h nu dash, and this is the required electron energy here. This is the electron required energy after scattering. From momentum conservation we can write as along x-axis, this is the photon incident photon momentum, and this is the x component of momentum of a scattered photon and required electron, and this showing the momentum conservation along y-axis. So here no motion along y-axis of incident photon, so momentum is zero, and this term showing the scattered photon momentum in y direction, and this term is for required electron in y direction, negative sign because this is opposite to the y direction, positive y direction. This is positive direction of y, and this is negative direction of y. So this is with minus sign, this sign along y axis. So this is from energy conservation law, energy before scattering and total energy after scattering, energy before momentum along x-axis, momentum before scattering along x-axis, and total momentum after scattering along x-axis, and similarly total momentum along y-axis before scattering, and total momentum after scattering along y-axis. And from these three relations we can find the Compton shift by mathematical calculation as rearranging second and squaring both sides, we get equation 4, and then rearranging third and squaring both sides. तो स्टूडेंट आपको रोक के इसको पॉज करके वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में यहाँ कैलकुलेशन है, हमने डायरेक्ट यूज़ किया है. तो ऑन रीअरेंजिंग थर्ड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट इक्वेशन 5, एंड देन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट इक्वेशन 6. दिस इज सिंपल कैलकुलेशन बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. And from equation 1 we can write as
तो समझने के लिए जरूरी है कि आप पीछे की आर्टिकल लिखे रहें. सो फ्रॉम इक्वेशन वन, एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी प्लस एम नॉट सी इक्वल एम नॉट सी अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ऑन स्क्वायरिंग वी गेट दिस इक्वेशन सेवन एंड देन सब्ट्रैक्टिंग सिक्स फ्रॉम सेवन वी गेट दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस. तो एक फुल नोट है, को लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा. एंड देन एंड आफ्टर सॉल्विंग पुटिंग दिस वैल्यू न्यू इक्वल सी बाई लेमडा एंड न्यू डैश इक्वल सी बाई लेमडा डैश. न्यू डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. सो एम नॉट सी इन ब्रैकेट वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा डैश इक्वल एच अपॉन लेमडा लेमडा डैश वन माइनस कॉस थीटा. एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट द फाइनल एक्सप्रेशन एज लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा वेयर डेल्टा लेमडा इज द कॉम्प्टन शिफ्ट. So this equation depends neither on the incident wavelength nor on the scattering material. इस फॉर्मूले में कहीं भी इंसिडेंट वेवलेंथ नहीं है और ना ही स्केटरिंग मटेरियल का मास कहीं पे है. सो हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्टन शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करता इंसिडेंट वेवलेंथ पर और ना ही स्केटरिंग मटेरियल पर. इट ओनली डिपेंड ऑन स्केटरिंग एंगल थीटा. इट ओनली डिपेंड ऑन स्केटरिंग एंगल थीटा. हियर एच अपॉन एम नॉट सी इज कॉल्ड द कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 0.0243 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज मेजर्ड एट 90 डिग्री. No, this value is equal to 0.0243 and known as H upon M naught C. And then if we measure the Compton shift at 90 degree, then we get the Compton shift is equal to the Compton wavelength, that is 0.0243. So at 90 degree, Compton shift is equal to Compton wavelength. At 90 degree, Compton shift is equal to Compton wavelength. Compton shift is equal to Compton wavelength and that is equal 0.0243 angstrom at 90 degree. So this is the very important formula. Experimental verification. This is the incident photon and this is the target scattered photon. We can measure with the Bragg's X-ray spectrometer which is movable on both sides. So the observation is one peak is found at the same position. This is unmodified radiation. This is incident. So at 45 degree also 90 degree and 135. So these are all unmodified radiation. These are all the modified unmodified radiation. Other peak is found at higher wavelength. This wavelength and this wavelength is found at higher wavelength. This is the modified signal of low energy. This is the modified signal of low energy. Delta lambda increases with increase in lambda. So third observation,
तो डेल्टा लेमडा की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा 45, थीटा 90 डिग्री, थीटा 35, एंड दिस इज़ द शिफ्टिंग एट 45 डिग्री, दिस इज़ द शिफ्टिंग एट 90 डिग्री, दिस इज़ द शिफ्टिंग एंड 135, दिस इज़ द डेल्टा लेमडा कॉम्प्टन शिफ्ट. Similarly, this shifting is more and more as we increase the theta. और सबसे ज़्यादा होती है 180 डिग्री के लिए. Compton effect cannot observed in visible light. The reason is the below. In तो delta lambda equal h upon m naught c 1 minus cos theta. And this is equal 0.0243 1 minus cos theta in this term. Delta lambda is maximum when 1 minus cos theta is maximum, that is 2, that is at angle theta equal 180 degree. Theta equal 180 degree. Delta lambda max is this 0.05 angstrom. So Compton effect can be observed. So this showing that the Compton effect can be observed only for radiations having wavelength of few angstrom, only 0.05 angstrom is the shifting. So for 1 angstrom delta lambda is nearly 1%. For lambda equal 5000 angstrom, this is the region of visible light, lambda is 5000 angstrom. For this, if we observe, delta lambda is nearly 0.001%, which is undetectable. That's why we can say that the Compton effect cannot absorb in visible light, observable nahi hota visible light mein. PR production, when a photon of sufficient energy passes near the field of nucleus, it materialized into electron and positron. तो ये high energy पे होता है, जब photon की energy बहुत ज़्यादा होती है तो वो convert हो जाता है electron and positron में, and this phenomena is known as pair, because positron और electron एक साथ आते हैं इसलिए उन्हें हम pair बोलते हैं, pair production. इस तरह से इन दिस प्रोसेस चार्ज एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड प्रायर एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ पेयर. तो इस प्रोसेस में चार्ज एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं पहले और बाद में. द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0.51 MeV अकॉर्डिंग टू इक्वल MC स्क्वायर. And the minimum energy required to pair production is 1.02 MeV. That is 2 into 0.51 MeV is equal to 1.02 MeV. So for pair production, the minimum energy required is 1.02 MeV. तो बहुत सारे entrants में भी ये पूछता है कि फॉर पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है. सो रिमेंबर 1.02 MeV फॉर पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी. क्लियर. एनी एडिशनल फोटोन एनर्जी बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. द करस्पॉन्डिंग फोटोन मैक्सिमम फोटोन वेवलेंथ इज 1.2 पिकोमीटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विज सच वेवलेंथ आर कॉल्ड गामा रेज. ऐसी वेव जिसका वेवलेंथ 1.2 पिकोमीटर हो उसे हम गामा रे बोलते हैं. प्योर एनिहिलेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू अदर अपोजिट चार्ज, बोथ द पार्टिकल कैन इनहिलेट कन्वर्टिंग देयर मास इंटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी in the form of gamma ray photon, like this E minus plus E plus 2 photon.
Here charges, energy and momentum are again conserved. The two gamma photons are produced. Each of energy is 0.51 MeV. Pair production cannot occur in empty space because for conservation of energy, H nu equal 2m0 c square gamma. Here m0 is the rest mass and gamma is 1 upon under root 1 minus v square upon c square. So from pair production process, this is the incident photon and converted into pair production electron and positron. In the direction of motion of the photon, the momentum is conserved if h nu upon c is equal to 2p cos theta. Clear? This photon must be equal to 2p cos theta. Clear? This is p. The horizontal component of electron is p cos theta and horizontal component of positron is p cos theta. So total is 2p cos theta. So this must be equal to h nu by c. But the momentum of electron and positron is m0 v gamma. Equation 1 now becomes this after substituting p in equation 1, and then we can find this. But we know that the new v by c is less than 1, that is no material body is moving with greater than the velocity of light. So we can write as v by c is always less than 1 and cos theta is also less or equal 1. So from this relation we find this. Using this relation, so from here using this and this relation we get this. So this is the contradiction: h nu less than 2m0 c square gamma. This is the, because from conservation energy ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें ये मिलता है. So this is the contradiction against the original conservation law of energy. So in empty space, pair production cannot occur. But conservation of energy require that h nu equal 2m0 c square gamma. Hence it is impossible for pair production to conserve both energy and momentum unless some other object is involved in the process to carry away part of initial photon momentum. Therefore pair production cannot occur in empty space. तो ज़रूरी यह है कि उसके बीच में कोई एक मैटर लाया जाए, एम्प्टी स्पेस के स्थान पर एक मैटर लाया जाए जो इनिशियल मोमेंटम को कैरी करे, कैरी अवे पार्ट ऑफ इनिशियल फोटॉन मोमेंटम. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन एम्प्टी स्पेस. वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. लाइट कैन एग्जिबिट बोथ काइंड ऑफ नेचर ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स. So the light shows wave particle and dual nature. In some cases like interference, diffraction, polarization, it behave like a wave, while in the other cases like photoelectric Compton effect, it behave like as a particle, photon. So we can say that the light is a wave as well as a particle. De Broglie wave.
So not only the light but every materialist particle, de Broglie ने बताया कि ये light ही नहीं कोई भी material particle दोनों nature रख सकता है, such as electron, proton or even the heavier object is a bit वे particle dual nature, भले वो observable ना हो लेकिन de Broglie ने कहा कि every moving body has a dual nature. So de Broglie proposed that a moving particle, whatever its nature, has wave associated with it and these waves are known as matter wave. So de Broglie ने include किया है कि न सिर्फ light बल्कि कोई भी materialistic particle, कोई भी matter अगर वो moving होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और जिसे बाद में मैटर वेव कहा गया. एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज एच न्यू एंड फॉर अ पार्टिकल से फोटोन ऑफ मास एम इज ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर. दिस इज आइंस्टीन रिलेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन फाइंड द दे ब्रॉगली फॉर्मूला. Lambda equal h upon mc. Suppose a particle of mass m is moving with velocity v, then the wavelength associated with it can be given by lambda equal h upon mv or lambda equal h upon p. So this is the expression is applicable for all the material bodies which is moving with velocity v. If v equal to 0 then lambda equal infinite means that wave are associated with moving material particles only. तो अगर हम v 0 लेते हैं तो हमें मिलता है lambda infinite. lambda infinite होने का मतलब यह है कि वो wave nature show नहीं कर रहा है, यानी कि moving particle ही wave nature show करेगा, rest particle wave nature नहीं रखेगा. second observation, de Broglie wave does not depend on whether the moving particle is charged or uncharged. It means matter waves are not electromagnetic in nature. So जो de Broglie wave है वो depend नहीं करती particle charged है या uncharged है, और इसका मतलब ये है कि matter waves इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है नेचर से. वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इट्स अ वेलोसिटी ऑफ एडवांसमेंट इन मीडियम इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी. तो अगर कोई मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल करती है किसी मीडियम में विथ इट्स अ वेलोसिटी ऑफ एडवांसमेंट इन द मीडियम, मीडियम के साथ उसी वेलोसिटी से चलती है तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी. एंड दिस वेलोसिटी इज वी पी इक्वल ओमेगा अपॉन के, वेयर ओमेगा इज द 2π ν is known as angular frequency and k is equal to 2 pi by lambda is the wave number. Group velocity. In practice we came across pulses rather than monochromatic wave. So a pulse consists of a number of waves differing slightly from one another in frequency. So the observed velocity is however the velocity with which the maximum amplitude of group advances in a medium. So the group velocity is the velocity with which the energy in the group is transmitted. The group velocity is the velocity with which the energy in the group is transmitted and this velocity is known as group velocity. The individual wave travels inside the group with their phase velocity as Vz equal d omega upon dk. Relation between phase velocity and group velocity. So Vz equal d omega upon dk and from phase velocity
we can put here omega equal k into Vp, and after derivating, differentiating, we get product differentiation, and then k equal 2 pi by lambda. We get this, and then derivating d upon 1 by lambda is equal this, and this is the final relation between group velocity and phase velocity. In dispersive medium, Vp depends on frequency, that is omega upon k is not equal to constant. So this value is positive, generally not always. So in this case, Vj is less than Vp. Generally Vj is equal to Vp minus lambda dVp upon d lambda. In dispersive medium, but in non-dispersive medium such as empty space, omega by k is always constant, and that is equal Vp. And in this case, this is equal to 0 because Vp is constant, so derivative of any constant is equal to 0. So in this case, Vp equal Vg. So in non-dispersive medium, group velocity is always equal to phase velocity. Phase velocity of de Broglie's waves. According to de Broglie hypothesis of matter wave, lambda equal h upon mv and k equal 2 pi by lambda. And if a particle has energy E, then corresponding wave have frequency as nu equal E upon h, and the angular frequency will be omega equal 2 pi nu, and nu is E upon h, and then omega equal 2 pi, this E equal to mc square, so 2 pi mc square upon h dividing 2 by 1, we get this, and after solving, finally we get this Vp equals c square by v, but v is always less than c. So we can see here the velocity of de Broglie wave Vp is greater than c, which is not acceptable. See, if you put v is always less than c, so it gives Vp greater than c, which is not acceptable. And the second is, de Broglie wavelength wave Vp will move faster than the particle velocity v, and hence the wave would left particle behind. तो अगर ऐसा होगा तो जो Vp है वो move कर जाएगा particle velocity v से तेजी से, so जो wave है वो पीछे छूट जाएगा. Waves would left the particle behind. जो wave है वो आगे निकल जाएगी और पार्टिकल पीछे छूट जाएगा. तो यह फिनोमेना एक्सेप्टेबल नहीं है. सो दिस डिस्क्रिपेंसी इज रिजॉल्व बाय पोस्टुलेटिंग दैट ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ वेव पैकेट और वेव ग्रुप रादर देन अ सिंगल वेव ग्रुप, दैट इज फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी. सो दे ब्रॉगली ने वेव वेलोसिटी की जगह ग्रुप वेलोसिटी को यूज किया, तो वो डिस्क्रिपेंसी खत्म हो गई. ए वेव ग्रुप हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ इन द नेबरहुड ऑफ लैम्डा. तो उन्होंने ये कहा कि जो वेव्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, वो सिंगल वेव नहीं होती बल्कि ये ग्रुप ऑफ वेव होती है, जिसे उन्होंने ग्रुप वेव कहा या ग्रुप वेलोसिटी. सपोज अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूविंग विथ वेलोसिटी वी, देन एसोसिएटेड मैटर वेव विल हैव ओमेगा इक्वल दिस एंड के इक्वल दिस, वेयर एम इज इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर.
So omega equal this and k equal this. On differentiating with respect to v, we get this simple differentiation with respect to velocity v, and similarly this, and then dividing equation first by second, we get d omega by dv into dv by dk is equal to this, and finally v equal vz equal d omega upon dk. Wave group associated with a moving particle also moves with the velocity of particle. That is, moving particle is equal to the wave packet or wave group, not a single group. Division and German experiment on electron diffraction. If particles have a wave nature, then under appropriate condition they should exhibit डिफ्रैक्शन. तो डिविशन और जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था कि अगर पार्टिकल वेव नेचर रख रहा है तो उसे डिफ्रैक्शन जरूर शो करना चाहिए. तो डिविशन और जर्मन ने मेजर किया वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ द मैटर वेव प्रपोज्ड बाई दे ब्रॉगली वेव. ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो मैटर वेव को कन्फर्म किया कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर रखता है. This is the first experiment, Division and German experiment of electron diffraction, which clarify a particle have a dual nature. So ये था उनका arrangement. सारा कुछ एक vacuum के अंदर. उन्होंने दिखाया था यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. और यहाँ उन्होंने एक निकल टारगेट बनाया था, निकल को टारगेट बनाया जिससे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुआ और उसे ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से. तो पता ये चला कि टारगेट से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है और कहीं पर जाके स्पॉट कर रहा है. तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहा है और यही इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन. और अगर कोई पार्टिकल डिफ्रैक्शन रखता है तो इसका मतलब यह है कि वो वेव नेचर रखता है. द करेंट वर्सेस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हैज अ मैक्सिमम, दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. द बम्स बिकम्स मोस्ट प्रोमिनेंट, this bumps becomes most prominent for 54 volt and phi equal 50 degree. This is the most prominent, and by using de Broglie hypothesis the wavelength expression for wavelength is this. So we get the wavelength for 54 volt electron is lambda equal 12.28 upon under root 54 is equal to 1.67 angstrom. And from X-ray analysis we know that the nickel crystal act as a plane diffraction grating with a grating space d equals 0.91 angstrom. So from X-ray diffraction the angle of incidence relative to family of Bragg's plane, that is theta equal 180 minus 50 upon 2 is equal to 65 degree, and at this angle the wavelength by theory, this is the Bragg equation, lambda equal 2 sine theta 2, and this is the value of d for nickel. D is the interplanar spacing and sine 65 degree, and this is equal to 1.65, which is equivalent to the lambda calculated by de Broglie hypothesis. So de Broglie is a wave phenomena. It conforms the wave like
nature of electron, because the theoretical wavelength and the experimental wavelength are the same. So we can say that the electron has a wave nature also. So Davison and German experiment is the great experiment, first experiment to clarify the electron has a wave nature. Also another experiment, G.P. Thomson, experiment also so that the electron has a wave nature. So this is all about for today, and further we explain the electron microscope and Heisenberg uncertainty principle. तो आज के वीडियो के लिए आपको पेन और पेपर उठा के लिखना पड़ेगा, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके नोट्स की तरह बनाएंगे तो समझ में आएगा. आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.